अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। टाइटल एंड थंबनेल से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम किस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल, आज हम काशीज की आई शेडो पैलेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसका रिव्यू शेयर करूँगी, इसकी प्राइस शेयर करूँगी और इसको किस तरह यूज़ करना है सब कुछ डिटेल में बताऊँगी। क्योंकि मेरी लास्ट वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि काइंडली इनकी प्राइस शेयर करें और मैंने किस वेबसाइट से ऑर्डर की है, कि आप प्रोसेस है वो सब कुछ शेयर करूँ एंड रिव्यू भी दूं। तो इसलिए मैंने स्पेशली एक और वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिल जाए। जैसा कि अगर आपको काशीज़ की मेकअप लुक लड़कियां पसंद करती हैं बहुत ज़्यादा और ग्लिटरी आईज़ पसंद है, तो आप लोगों को उस तरह की मेकअप प्रोडक्ट्स भी चाहिए होंगी, वैसी आई शेडो पैलेट्स भी चाहिए होंगी। जैसा कि अब ये तीनों मेरे पास पड़ी हुई हैं, इनसे हम कोई भी डिफरेंट अच्छी सी प्यारी सी लुक क्रिएट कर सकते हैं ग्लिटर मैट वगैरह यूज़ कर करके। बिकॉज़ इसमें हर तरह के शेड्स हैं, आप कोई गोल्डन ड्रेस पहन रहे हैं उसके साथ कौन सी लुक क्रिएट करनी है वो भी हो जाएगी और हर तरह के कलर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अब जो फर्स्ट पैलेट है हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इसमें किस तरह के शेड हैं। सबसे पहली पैलेट हम उठाते हैं ये वाली, गोल्डन गर्ल है इसका नेम और ये देखें काशीज़ मेकअप कास्टल के नेम से है। पैकिंग भी इनकी काफ़ी नाइस है, तो इसमें हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को करते हैं जी स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी पैलेट्स हैं, ओपन करते ही ऊपर बहुत प्यारी सी शीट्स लगी हुई हैं ट्रांसपेरेंट सी, ताकि ये कलर्स वगैरह इसके जो शेड्स हैं वो ख़राब ना हो। और देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे शेड्स हैं। तो जी ये ज़बरदस्त से शेड यूज़ करके आप कोई भी आईज़ का मेकअप किसी तरह का भी आप लोग चाहते हैं तो वो वाली लुक बना सकते हैं। ठीक है, कोई आप लोगों को जिस तरह लाइट शेड्स में पसंद है, डार्क शेड्स में पसंद है, गोल्डन पसंद है, तो इस तरह की कोई भी यूज़ करके ना आप पैलेट अपनी लुक क्रिएट कर सकते हैं। तीनों पैलेट्स ही बहुत आला हैं और डिपेंड करता है आपने ड्रेस किस तरह का पहना हुआ है, कौन सा फंक्शन है, तो उसके मुताबिक आप लोग शेड यूज़ करके अपनी आईज़ का मेकअप इजीली कर सकते हैं। बस ब्लेंडिंग अच्छी करनी है, ट्राई करना है। ठीक है, आउटर इनर कॉर्नर अच्छा सा बना लेना है, बाकी इनकी जो एप्लीकेशन है ना वो कुछ खास मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। वैसे एक इसकी और भी अच्छी बात है, आप फिंगर से कोई भी शेड लेकर ना इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप ब्रश यूज़ करें, क्योंकि फिंगर से जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होती है ना, मेरा नहीं ख्याल कि ब्रश से हो सकती है। तो डेट्स वाई फिंगर से ही आप लोग कोई भी गोल्डन शेड दें, फॉर एग्ज़ाम्पल शेड लगाते ही ना ये आईलेट पे बहुत अच्छी तरह मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, आप लोग फिंगर से जब ब्लेंडिंग करते हैं तो यार आउट क्लास से लुक आ जाती है। बिकॉज व्यूवर्स इनकी ग्लो और जो शाइन है वो बहुत आउट क्लास है, इसलिए लगाते ही ना ऐसा लगता है आंखों पे कोई मैजिकल सा मैजिक हो गया है, ज़बरदस्ती लुक आ जाती है। ठीक है, तो मेन चीज़ है आपके पास अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए, अच्छी आई शेडो पैलेट होनी चाहिए एक अच्छी सी आईज़ बनाने के लिए, ताकि इवेंट पे आप लोग जब पिक्चर्स लेते हैं या फ़ोटोशूट वगैरह करवाते हैं तो आईज़ प्यारी लगें, क्योंकि आईज़ का मेकअप बहुत मैटर करता है। मुझे भी किसी छोटे मोटे इवेंट पे जाना होता है या कहीं पर भी कोई फंक्शन वगैरह है तो मैं इनसे मेकअप करती हूँ आईज़ का, तो अच्छी ग्लो आ जाती है पिक्चर्स में, काफ़ी शाइनी और ग्लिटरी आईज़ लग रही होती हैं, शिमरी सी। तो इसलिए हमें इस तरह की एक आधी पैलेट हमारे पास होनी चाहिए अपने यूज़ के लिए। तो मैं आप सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, रिकमेंड करूँ, और ये चीज़ अच्छी है। और इसमें जो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बहुत ज़बरदस्त है, शेड्स का साइज़ आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी सारे शेड हैं हर पैलेट में और साइज़ कितना ज़्यादा बिग है, तो ये काफ़ी टाइम से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जल्दी आई शेडो ये वाली ख़त्म भी नहीं होती। तो प्राइस बिल्कुल भी ना देखें, और प्राइस बहुत ही रीज़नेबल है, तो वीडियो एंड तक देखनी है, मैं ज़रूर प्राइस भी शेयर करूँगी और किस तरह ऑर्डर करनी है किस वेबसाइट से वो भी मैं बात करते हैं। तो ऑर्डर आपने कैसे करनी है काशीज़ के प्रोडक्ट्स, अगर कोई भी लेने हैं आप लोगों ने काशीज़ की वेबसाइट पर चले जाएं, अगर गूगल से करना है, इंस्टाग्राम है तो वहाँ से, दोनों से हो जाएगी। तो आप लोग क्या कहते हैं काशीज़ की गूगल से जो है आपने वेबसाइट है kashizstore.com, यहाँ जाकर, ये मैंने साथ लिंक स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, स्क्रीनशॉट शेयर कर दिए, यहाँ से जाके इजीली ऑर्डर कर सकते हैं, हर तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। और इंस्टाग्राम पे भी आप जाएंगे काशीज़ लिखेंगे मेकअप प्रोडक्ट kashizstore.com तो आपके पास आ जाएगा लिंक वगैरह, तो वहाँ से आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। ज्वेलरी, फाउंडेशंस, मेकअप, आई शेडो पैलेट्स, हेयर एक्सेसरीज़ लाइक हेयर एक्सटेंशन, फाउंडेशंस, आई लाइनर, आई शिमर्स,
हर तरह की सारी इसकी प्रोडक्ट्स इसकी वेबसाइट से आप लोग घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर दे सकते हैं, तो आप लोग तक पहुंच जाएंगी। और डिलीवरी चार्जेस की बात कर लेते हैं, वो स्टार्ट होते हैं 300 से लेकर 2000 तक। ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट्स का वेट कितना है। प्रोडक्ट्स की जितनी क्वांटिटी होगी उस हिसाब से कॉस्ट चार्ज होगी आप लोगों के प्रोडक्ट पे, वेट पे डिपेंड करता है डिलीवरी चार्जेस, ठीक है। वैसे स्टार्टिंग 300 से है, तो आप लोग जितना सामान मंगवा रहे हैं उसके मुताबिक डीसी चार्ज होगी, ठीक है। अब बात करते हैं जी इसकी प्राइस की। प्राइस भी अफोर्डेबल है, कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है, रीज़नेबल है। और देखें चीज़ भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी टाइम हम लोग यूज़ कर लेते हैं, जल्दी ख़त्म नहीं होती। तो अब व्यूवर्स प्राइस की बात कर लेते हैं। जो ये वाली पैलेट है डाइबा काशीज़ मेकअप कास्टल, ये कितने की है? इसकी जो प्राइस है 3000 है, ठीक है, ऑफ लगा हुआ, वैसे 3500 की है, तो ये 3000 में मिल जाएगी। और ये जो है काशीज़ गोल्डन गर्ल मेकअप कास्टल, इसकी जो प्राइस है 2500 है, वैसे ये 3000 की है, तो ऑफ में 2500 की मिल जाएगी। और ये थर्ड वाली जो पैलेट है ब्लशिंग काशीज़ मेकअप कास्टल, ये भी 2500 की है, ऑफ में आपको 25 की ही मिलेगी, वैसे 3000 है इसकी एक्चुअल प्राइस। अब मैं आपको थोड़े से इसके शेड्स लगाकर भी दिखा देती हूँ, थोड़े स्वेचेज़ वगैरह बता देती हूँ किस तरह यूज़ करना है, कैसी ग्लो है। और इनको अप्लाई करना ज़्यादा इनकी एप्लीकेशन है मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी सी है, बस ध्यान करना है ब्लेंडिंग का, ठीक है। ये देखें हाईली पिगमेंटेड है, कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पिगमेंट्स है इसमें। बस काशिश भी यही यूज़ करता है, उसके पास जो ब्राइड्स वगैरह होती हैं उन पर आइज़ मैजिकल क्यों लगती हैं, यही अच्छी अच्छी चीज़ें यूज़ कर। तो आप लोग भी ये घर में खुद से कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ब्लेंडिंग का ध्यान रखना है, ठीक है। ये देखें आपको शेड्स का अंदाज़ा हो रहा होगा। तो ये मैं आप लोगों को फ्लैश लाइट ऑन करके दिखा रही हूँ कि आपको इनकी पिगमेंटेशन का अंदाज़ा हो सके, कितनी नाइस है, ठीक है, कितने ज़्यादा ग्लो कर रहे हैं। तो सोचें पिक्चर में इतने कर रहे हैं, वीडियो में इतने कर रहे हैं, तो आप लोग जब आइज़ पे लगाएंगे तब कितनी ज़्यादा अच्छी लुक क्रिएट होगी और कितने प्यारी आइज़ ग्लो करेंगी। थोड़े से और शेड्स लगा कर दिखाती हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कितने प्यारे शेड्स हैं, ठीक है, पिगमेंटेशन कैसी है। आप लोग जब आइज़ पे लगाते हैं ना तभी आपको अंदाज़ा होता है किस तरह की ग्लो आ रही है और कौन सा शेड किस तरह का है, ठीक है। ये देखें ज़बरदस्त से शेड्स हैं सारे के सारे, तो आप लोग अपनी आइज़ पे लगा सकते हैं। इनकी जो शाइन है ना आप लोग अब चेक करें कितनी आउट क्लास लग रही है। और ये है जी फ्लैश लाइट्स के साथ ग्लोइंग की। तो आई होप आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और समझ आ गई होगी शेड्स को किस तरह आप लोगों ने ब्लेंड वगैरह करना है, किस तरह यूज़ करना है, बस एक बात का ख्याल रखना है। अच्छा व्यूवर्स, जब भी आपने शेड्स वगैरह लगाने हैं ना तो एक ख्याल रखना है आपने कि ब्लेंडिंग अच्छी सी करनी है, ठीक है, कॉर्नर वगैरह की, क्रीज लाइन की, ताकि अच्छी सी लुक क्रिएट हो जाए। क्योंकि समटाइम्स ना शेड तो हमें मिल जाते हैं, आई शेडो पैलेट्स भी अच्छी वाली मिल जाती हैं, यूज़ करना नहीं आ रहा होता। तो उम्मीद है अब आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा। इसकी प्राइस भी मैंने बता दी, ऑर्डर कैसे करना है सब कुछ बता दिया है। तो अभी मुझे दें इजाज़त, अभी की वीडियो मैं कर रही हूँ यहीं पे एंड। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।